आउटडोर पीसीबी टेस्टिंग प्रोसीजर। निम्न 7 से 8 पॉइंटों पर हम पीसीबी को चेक करना सीखेंगे। टेक्नीशियन इन सभी बातों को फॉलो करने पर पक्का कर सकेंगे पीसीबी खराब है, तभी पीसीबी को बदलेंगे। टेस्ट करते समय सेफ्टी के नियमों का पालन। यदि टेक्नीशियन ने ब्रेसलेट, कड़ा, चेन, अंगूठी कुछ पहना हुआ है तो पीसीबी को चेक करने से पहले उसको उतार के अलग रख देना चाहिए, जिससे करंट लगने का डर ना हो। तो आइए पीसीबी को चेक करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आउटडोर तक पावर सप्लाई आनी चाहिए जो स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट एसी होती है। नंबर 2, आउटडोर पीसीबी के लाइन और न्यूट्रल पॉइंट पे स्टैंडर्ड वोल्टेज मिलना चाहिए। नंबर 3, पीसीबी में लगे हुए फ्यूज का सही होना जरूरी है, जिसको हम कंटिन्यूटी के द्वारा चेक कर सकते हैं। चौथे नंबर पर पीसीबी में लगे ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर में एक हिस्सा इनपुट जो कि एसी वोल्टेज का होता है और दूसरा हिस्सा आउटपुट होता है जो डीसी वोल्टेज का होता है। इनपुट सप्लाई पर 220 वोल्ट एसी चेक करेंगे और आउटपुट पर 310 वोल्ट डीसी चेक करेंगे। यदि ये डीसी वोल्ट यहां नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पीसीबी डिफेक्टिव है और उसको हमें रिप्लेस करना होगा। नंबर 5 पॉइंट है डीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे। कैपेसिटर के 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम इसको चेक करें तो ये ध्यान में रखें कि मल्टीमीटर में भी 2 कलर की वायर आती हैं, रेड और ब्लैक। रेड वायर पॉजिटिव के लिए और ब्लैक वायर नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है। अब इसी कैपेसिटर पर अकॉर्डिंग टू वायर कलर पॉजिटिव नेगेटिव पे कनेक्ट करें और 310 वोल्ट डीसी को चेक करें। ये लगे हुए सभी कैपेसिटर पे एक समान आनी चाहिए। यहां मैं फिर वही दोहराऊंगा, यदि ये वोल्टेज हमें यहां पर नहीं मिल रही है, कैपेसिटर की कंडीशन ठीक नहीं है, फूल गया है या बस्ट हो गया है, तो इन दोनों केसों में हमें पीसीबी को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 6, जहां पे हम बात करेंगे आईपीएम की, जिसका पूरा नाम इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल है। तो इसको चेक करने के लिए क्लैंप मीटर के ब्लैक वायर को कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल पे और रेड वाले वायर को आईपीएम के प्लस टर्मिनल पे लगाएं, जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। अब यहां पे हमें 15 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए, जिससे हम ये तय कर सके पीसीबी ठीक है। नंबर 7, आईपीएम को चेक करने के बाद अब पीसीबी के यूवीडब्ल्यू लोकेशन पर वोल्टेज चेक करेंगे। सेम वही, इसमें ब्लैक वायर को डीसी कैपेसिटर के माइनस टर्मिनल पर और रेड वायर को यूवीडब्ल्यू पर बारी बारी से बदल के वोल्टेज चेक करेंगे। यहां पे हमें सारे टर्मिनल पे एक समान वोल्टेज मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी देख रहे हैं कि अगर 180 वोल्टेज मिल रहा है डीसी, तो ये सभी टर्मिनलों पे 180 ही होना चाहिए, या फिर कभी 170, 72 जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो सभी टर्मिनलों पे एक समान डीसी वोल्टेज आना चाहिए, यदि पीसीबी ठीक है तो। ये एक समान ना होना या किसी पे वोल्टेज ना मिलना सेम इस बात को दर्शाता है कि पीसीबी में डिफेक्ट है और हमें उसे बदलना होगा। नंबर 7 पर हमने ये देखा कि यूवीडब्ल्यू को डीसी वोल्टेज कुछ मिल रहा है, वो वेरिएबल होगा और तीनों पॉइंटों पे एक समान रहेगा। अब हम इसी यूवीडब्ल्यू पर एसी वोल्टेज की मेन सप्लाई के न्यूट्रल के साथ चेक करते हैं। यहां पे भी सेम चीज रहेगी, ये वोल्टेज 90 से हमेशा ऊपर रहेगी। दूसरी बात, जो हम डीसी वोल्टेज चेक करिए अभी 7 नंबर पर, उससे तकरीबन 25 से 30 वोल्ट यहाँ पे आप ज्यादा मिलेगा। अब अगर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिलता है या बहुत फ्रीक्वेंटली कम ज्यादा हो रहा है तो भी पीसीबी खराब हो सकती है, तो इस केस में हमें पीसीबी को बदलना होगा। तो ये सारे 8 पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्क बताए, इससे हम ये कन्फर्म कर पाएंगे कि पीसीबी में डिफेक्ट है
या नहीं है। तो बिना इन 8 पॉइंट को चेक किए कृपया कोई भी पीसीबी को रिप्लेस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।